बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन से ये हमारे पास अमीन दी हुई है, हमें बताना है क्या प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। राइट, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रिएक्शन ऑफ प्राइमरी मीन्स रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स विद NaNO2 एंड HCl, राइट? रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स विद NaNO2 एंड HCl क्या होता है? देखो, अगर हमारे पास कोई प्राइमरी अमीन है, ठीक, उसका रिएक्शन हमने किया NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl से, जो NC2 क्या प्रिपेयर करते हैं, HNO2 यानी नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड से जब रिएक्शन होता है हमारे पास, तो बनेगा एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा? एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट। जब हमारे पास एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, उसमें से हमारे पास नाइट्रोजन गैस निकलेगी, राइट? क्या बनेगा? कार्बोकेटायन, एल्किल कार्बोकेटायन। और फिर हाई टेम्परेचर पे या इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कोहल का, राइट? ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक प्राइमरी मीन। इसका रिएक्शन अगर NO2 HCl के साथ हुआ, डाइसोनियम सॉल्ट बनेगा, राइट? क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बनेगा डाइसोनियम सॉल्ट, राइट? फिर नाइट्रोजन गैस निकलेगी। हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगा? हमारे पास बेसिकली ये कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक? और फिर फर्दर हमारे पास वाटर के प्रेजेंस में या हीट के प्रेजेंस में हमारे पास क्या लग जाएगा? हमारे पास OH लग जाएगा यहाँ पे, राइट? यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।